एक बार समुद्र के किनारे लहर आई और एक बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र तो चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर मछुआरे ने खूब सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने समुद्र की रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। और वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था, उसे लहर के साथ तैर कर आया एक मोती मिला। फिर उसने समुद्र की रेत पर लिखा, समुद्र बड़ा दानी है। और फिर कुछ देर बाद एक अचानक बड़ी लहर आई और सारे लिखों को मिटाकर चली गई, यानी कि सारे लिखे हुए को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है, अपना क्रोध और अपनी शांति अपने हिसाब से तय करता है। दोस्तों, अगर आपको भी विशाल समुद्र बनना है तो किसी की बातों पर ध्यान ना दे, जो भी करना है अपने हिसाब से करे और जो गुजर गया उसकी चिंता में ना रहे। हार जीत, सुख दुख, पाना खोना, इन सब के चलते अपने मन को विचलित ना करे। याद रखो, अगर जिंदगी सुख और शांति से भरी हुई होती तो इंसान जन्म लेते रोता नहीं। जन्म के समय रोना और मर कर रुलाना, इसी के बीच के संघर्ष भरे समय को जिंदगी कहते हैं। कुछ जरूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इसी का नाम जिंदगी। और इसी के साथ, जीतना है तो जीत कर, सोचने से कुछ नहीं होगा। दीजिए अपने दोस्त स्टोरी वाला को इजाजत। मिलते हैं किसी एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।